रोहतास पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नगर निकाय चुनाव में शराब को खपाने का प्लान हुआ फेल। कंटेनर वाहन से 6000 से अधिक अवैध विदेशी शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। जिले में रोहतास पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब के निर्माण परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान के तहत 26 सितंबर की सुबह रोहतास पुलिस और ALTF की टीम ने GT रोड स्थित जख्मी बिघा पुल के पास घेराबंदी कर हरियाणा नंबर के कंटेनर वाहन को भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ जब्त किया है। जिला पुलिस मुख्यालय डेहरी ऑन सोन स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष के SP आशीष भारती ने आज प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी। रोहतास पुलिस के द्वारा पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने की लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में आज यह जानकारी मिली कि शराब तस्करों के द्वारा एक कंटेनर से शराब बिहार में तस्करी करने के लिए लाया जा रहा है और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए आज प्रातःकाल में डेहरी टाउन थाना की टीम तथा ALTF की टीम एवं मद्य निषेध की टीम के द्वारा वहां पर वाहन जांच लगाया गया और इसी क्रम में जो एक हरियाणा नंबर की हरियाणा की एक गाड़ी को हम लोग के द्वारा उसमें डिटेन किया गया जख्मी बिघा पुल के पास और उसकी जब छापेमारी की गई उसमें जांच किया गया जब तो उसमें पाया गया कि कुल 199 कार्टून उसमें में शराब था जिसमें कुल 6834 बोतल जो कि कुल 1761.75 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। इस मामले में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की गई है जिसका नाम है अजय कुमार जो कि हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है और इस मामले में अभी अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है और उससे पूछताछ के आधार पे इस मामले में जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है उसको उसका पता करके उनकी शिनाख्त करके उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से रोहतास पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें 199 कार्टून में कुल 1761.75 लीटर विदेशी शराब, नकद 3650 रुपये, एक मोबाइल, एक कंटेनर तथा उस कंटेनर में कबाड़ का जो घरेलू सामान का कबाड़ रहता है उसकी आड़ में इसको किया जा रहा था और उसको भी बरामद किया गया। की गुप्त सूचना के आधार पर डेहरी नगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन और अन्य पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने GT रोड स्थित जख्मी बिघा पुल के पास घेराबंदी किंदी किया। इस दौरान एक कंटेनर वाहन से 199 कार्टून में मौजूद 6000 से ज्यादा विदेशी शराब की बोतलें बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के भिवानी जिले के खनक का रहने वाला अजय कुमार नामक एक शराब माफिया को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में FIR दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि छापेमारी दल में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। रोहतास से विकास चंदन की रिपोर्ट।